बैकग्राउंड मतलब अच्छे से सजाइए, उसके बाद आके ब्लॉग बनाइए। तो भैया मैं आपसे बोलने जाऊंगी आपको मेरा घर कैसे गणपति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बबीता नीरज ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं मतलब नहा के और पूजा करने के लिए आ गई थी, तो यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया और उसके बाद मैं तुलसी माता को जल दे दूँगी। तो चलिए चलते हैं बाहर। देखिए मैं आ गई हूँ बाहर और तुलसी माता जी को जल देने के लिए, और इसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है क्योंकि नाश्ते का भी टाइम हो गया था और आँखों पर ना धूप सी लग रही थी, तो इसलिए ना ऐसा लग रहा था अजीब अजीब सा। और मैं मतलब यहाँ पर चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, तो मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। और एक तरफ मैं मतलब मेरे को ब्रेड बनाना है, तो मैं ब्रेड सेक लूँगी। तो ये देखिए, और मैं आलू पहले ही मतलब बॉयल करने के लिए रख दी थी और पिट्ठी बना दी थी क्योंकि फिर थोड़ा सा लेट हो रहा था इसलिए। और ये देखिए, अब मैं शक्कर डाल दी हूँ, चीनी मतलब शुगर जो भी बोलते हैं आप लोग, और चाय पत्ती अदरक कूट के डाल दी हूँ मैं इसमें। मैं थोड़ा थोड़ा मुझे स्किप करना पड़ गया वीडियो क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए। और मैं इसको अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और अब इसमें मैं ब्रेड सेक लूँगी। तो ये देखिए आलू की पिट्ठी मेरी बनी रखी हुई है, और तो मेरे को बस ब्रेड सेकना है, तो वो मैं फटाफट सेक दूँगी। एक तरफ चाय बनाने के लिए रख दिए, और ये मतलब ब्राउन वाले ब्रेड मतलब बनाने वाली हूँ आज मैं। आप चाहे तो इसमें सॉस भी लगा सकते हो क्योंकि वो मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं वो नहीं लगाती, तो मैं आप मतलब वो घी लगा रही हूँ पहले, और घी लगा के थोड़ी देर इनको ऐसे ही रख दूँगी। ये इसके ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रेड बनकर तैयार होते हैं, तो मैं जब भी बनाती हूँ इसी में बनाती हूँ। और कभी भी वैसे वाला तवा होता है तो चीले वाला, उस पर भी बना लेती हूँ, कभी तवे पर भी बना देती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसी में बना लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं मतलब सेकने के लिए रख दी हूँ, और थोड़ा सा मतलब चेक कर लूँगी अभी हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, और थोड़ा सा मतलब टाइम तो लगता है ये कोई भी चीज़ करो तो, इसलिए और अच्छे से सेकना चाहिए क्योंकि फिर अच्छे नहीं लगते खाने में, तो मैं इसलिए बहुत अच्छे से इनको सेकती हूँ। और यहाँ पे मतलब पिट्ठी लगा के, तो आप पिट्ठी लगाने के बाद सॉस भी लगा सकते हो कोई सी भी मनपसंद, बट मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरे को वो पसंद नहीं है, तो मैं नहीं लगाती हूँ। और मीठी वाली सॉस तो मैं कभी आज तक खाई नहीं हूँ अपनी, उसमें मैं मतलब खाना तो दूर मैं उसको देख तक भी नहीं, मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बताते भी, बट मैं नहीं खाती हूँ उसको, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता, मैं कभी नहीं खाई हूँ। बस ये चिली वाली जो होती है ग्रीन वाली, ये ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं। बस हाँ, जो वैसे जो पाउच वाली आती है ना, वो वाली मैं कभी, जैसे वो जो होता है अब बर्गर, हाँ बर्गर में तो वो मैं पसंद करती हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं, हल्की वुल्की सी बस, और ज़्यादा तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, तो इसलिए। तो चलिए मिलते हैं, ब्रेड मेरा बन चुका है। हाय गाइस, कैसे हैं? और मैं आपसे मतलब पूजा वगैरह करके नाश्ता वास्ता करके नाश्ते में ब्रेड बनाई थी, तो नाश्ते कर लिया था, फिर भी चले गया था, मतलब काफ़ी देर हो गई उनको गए भी, और मैं आपसे कोई बात ही नहीं की थी तब से, मैं चलो आप लोग थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और बात करने से पहले आपने मेरा टाइटल देख ही लिया होगा, और उससे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा घर का बैकग्राउंड दिखा देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। वैसे तो मेरे को एक साल हो गई कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया, तो बट मैं आज मतलब बस कहना नहीं चाहती थी, मैं चलो मेरे को मैं बता देती हूँ क्या है और कैसे है। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड दिखाती हूँ थोड़ा सा एक क्लिप, और उसके बाद आपकी बात करती हूँ। तो ये देखिए भैया, मेरे घर का बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, और ये देखिए आप देख सकते हो, आपको मेरे घर किधर से गंदा लग रहा है, और जबकि मेरे दो बच्चे हैं, मैं उनको भी देखती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। और ये जो किचन देख रहे हो ना, इसका पत्थर ही ऐसा है क्योंकि ये मतलब साफ़ नहीं होता, तो इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट आप घर का देख लीजिए। और मैं ऊपर बैठ कर इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मेरे हस्बैंड जी लेटे हुए हैं इसलिए, तो आपने देखा, आप लोग देख सकते हो। और गाइस आप भी बताइएगा सब, आपको मेरा घर गंदा दिख रहा है क्या? तो चलिए बताती हूँ, और वो मैं जो है लगा दूँगी स्क्रीनशॉट, आप देख लेना हो उसको।
तो गाइस आपने देखा मेरे घर का बैकग्राउंड, और आप बता सकते हो मेरे घर आपको कहाँ से गंदा दिख रहा है और कैसे। और थोड़ा सा मैं रूम का इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड जी लेटे हुए थे, तो तब मैं उसकी क्लिप ली थी तो इसलिए मैं उसका नहीं दिखाई। और आपने देखा मेरे घर आपको कहीं से गंदा दिख रहा, तो आप मुझे कमेंट में फिर से बता सकते हो। और उन भैया ने मेरे को बोला था कि मतलब पहले अपना बैकग्राउंड मतलब अच्छे से सजाइए, उसके बाद आके ब्लॉग बनाइए। तो भैया मैं आपसे बोलना चाहूँगी आपको मेरा घर कैसे गंदा दिख रहा और कैसे अपने मैं घर को सजाऊँ, आप मेरे को कुछ बता सकते हो। तो मेरे को आज तक 1 साल हो गया गिफ्ट पाए हुए, मेरे को किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया कि आपको घर गंदा दिख रहा। तो प्लीज़ आप भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मेरे को बता सकते हो मेरा घर कहाँ से गंदा दिख रहा है, और क्यों मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे घर मेरा गंदा दिख रहा है। और वैसे भी ना ये घर इतना ज़्यादा अच्छा है, वो मतलब तारीफ नहीं करनी चाहिए, इतना ज़्यादा घर अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सच में मेरे को ये घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही सच में। तो प्लीज़ मेरे को जरूर बताना भैया कैसे गंदा है घर और क्या है। वैसे तो मैं बात नहीं कहना चाहती थी, बट मैं सोची चलो पूछ लेती हूँ क्योंकि शायद कोई कमी हो तो आप मेरे को बता सकते हो, इसलिए मैं मतलब आपसे पूछना चाहूँगी। और जो मतलब कमेंट किया था मैं आप स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, तो आप उसको देख सकते हो क्या कमेंट किया है कि दीदी मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने, मतलब बोला था कि दीदी पहले अपना बैकग्राउंड चेंज कीजिए और अपना घर साफ सुथरा करिए फिर ब्लॉग बनाइए। तो भैया पहले तो आपने मेरा ब्लॉग पूरा नहीं देखा क्योंकि तब मैं उठी थी, मैं तभी बोली थी कि मेरा आज कोई काम ही नहीं हुआ है और मेरा घर आज बहुत सारा गंदा पड़ा, वो तो मैं खुद ही बोली थी। और उसके बाद मैं उठ के अपना सारा घर का क्लीनिंग की थी, तो आपने क्लीनिंग का वीडियो तो मेरा देखा नहीं, जो मैं उठी थी तो आपने मेरा वही वीडियो देख लिया, तो आपको मेरा घर मतलब गंदा दिख रहा था। तो प्लीज़ पहले भैया ब्लॉग को पूरा देखा करिए। और ये अच्छा कि मतलब आपने मेरे को बताया कि मतलब अपने घर को सजाइए, तो बताइए भैया मैं अपने घर को कैसे सजाऊँ, क्या करूँ इसके लिए जो कि अच्छा दिखे। और वैसे तो ये खूबसूरत घर है बहुत ही ज़्यादा, तो प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए हेलो करो मनु। हेलो। तो मनु आ गया है, तो चलिए आप फोन देखिए। ठीक है। तो मनु आ गया था और वो फोन देख रहा था अभी, तो चलिए फटाफट मैं अपना किचन में थोड़े से बर्तन है क्योंकि मैं वो नाश्ता बनाई थी, तो मैं मतलब वो क्लीन नहीं की थी, मतलब अब कर देती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं अपने बालों में क्लीच लगा लेती हूँ, बाल फिर ऐसे करूँगी तैसे आगे आएंगे इसलिए। तो चलिए प्लीज भैया बताइएगा आपसे पूछ रही हूँ, और मैंने अपने घर की क्लिप भी दिखाई है, तो आप देख के मुझे बताएं कि मेरा घर आपको कहाँ से गंदा दिख रहा है और क्या है। तो चलिए तो चलिए गाइस थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं सारे के साथ क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। और मैं कैसी औरत हूँ जो कि अपना घर साफ नहीं रखती, मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आ रही है और वो भी लग रहा है कि चलो कुछ तो पता चला कि हाँ मैं अपना घर गंदा रखती हूँ, आगे से मैं अपना घर साफ रखा करूँगी, आपने बताया थैंक यू उसके लिए। तो थोड़े से बर्तन थे यहाँ पर, और मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूँ क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए। तो ये मतलब नाश्ते के रह गए थे, वैसे तो मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही है। और मैं मतलब ऐसा सारा काम अपने फिनिश कर ली हूँ, बस ये बर्तन बाकी है, उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी, देखते हैं। तो बर्तन बर्तन साफ करके थोड़ा सा मैं मतलब आराम करने लगी थी, और उसके बाद फिर मैं मतलब यहाँ पर बैठ गई हूँ, मैं थोड़ा सा बैठती हूँ और देखती हूँ कपड़े सूखे कि नहीं, जाऊँगी लेने के लिए अभी थोड़ी देर में, और धूप अच्छी हो रही तो सूखे होंगे, और थोड़ी देर आराम कर लूँ तो सही रहता है, नहीं तो फिर पूरे दिन काम ही चलता रहता है। तो खाने में मैं मतलब वो सब्जी बना ली हूँ, सब्जी बना ली और बस रोटी बनानी है, तो देखती हूँ यही सब कब तक आते हैं, तो उनका वेट कर रही हूँ और तब आ जाएंगे, तब मैं खाना मतलब बना लूँगी, रोटी बनानी बाकी है। तो मैं अभी सीढ़ी पर बैठी हुई हूँ, देखिए आप लोग देख सकते हो, और मैं तो कहीं भी बैठ के वीडियो बना लेती हूँ, मुझे तो यही नहीं लगता कि मेरा घर गंदा है कि मतलब, इसलिए मेरे को कुछ वो ही नहीं लगता है, तो क्योंकि साफ़ रहता है। और देखिए मैं भी ऐसे ही बैठी हुई हूँ, कोई मतलब मैं किसी को, और बिल्कुल भी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ रहता है, और कम से कम 2 से 3 बार तो पोछा लगता ही है इधर तो, क्योंकि आंटी आती है वो भी लगाती हैं और मैं भी लगाती हूँ इधर। और फिर भी पता नहीं उन बहन को मेरा घर कैसे गंदा दिख रहा था, मेरे को सोच सोच के भी वो आ रहा था, बट कोई नहीं, और सजाने के लिए बोला
तो वो मुझे आप बता सकते हो क्या करूँ मैं सजाने के लिए। तो चलिए देखिए आती हूँ कपड़े पहले एक बार। चलिए पर पहले तू पहले। और मेरी टॉवल यहाँ पर डली हुई है अभी। चलिए पर पहन लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर। मैं आ गई ऊपर। और देखिए कपड़े एक तो नीचे गिर गया तो हवा चलती है ना, चिमटी ना लगाओ तो गिर ही जाते हैं वो। मैं इनको वैसे तो कपड़े सूख गए हैं, सोच रही हूँ ले जाऊँ कपड़े। और ऐसे ही हो रहा है मतलब मौसम तो ज़्यादा आजकल कड़क वाली धूप नहीं निकलती है, कपड़े सूख गए। वैसे देखती हूँ थोड़ी देर में ले जाऊँगी। भाई देखिए इस वाले गमले में ना बहुत सुंदर फूल आते हैं छोटे छोटे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। ये देखिए इस पर वाइट आते हैं, इस पर ये वाला भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। हाँ बेटा क्या क्या हो गया? हाँ मैं ऊपर हूँ, आ रही हूँ अभी, मुन्नू बुला रहा नीचे। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मैं यहाँ आकर बैठ गई और यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से चल रहा है ब्लॉग, फिर बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा हो जाता है वो, कितना भी छोटा छोटा करके क्लिप करो फिर भी तो बड़ा हो ही जाना है। तो कपड़े ले जाती हूँ अभी और देखा नहीं जा रहा, धूप सी आ रही है और एंड भी कर देती हूँ। तो बाय बाय। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें एक स्माइल के साथ, जैसे कि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो बाय बाय।